राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और मॉर्निंग का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ देख सकते हैं नाती हमारा बैठा है और मॉर्निंग का टाइम है, चाय वगैरह सब लोग बच्चे लोग पिए हैं। तो हमने कहा इसको भी थोड़ा सा चाय दे देते हैं क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय इसको भी। बस बहुत थोड़ा सा चाय लिए थे लेकिन उसी चाय में हमने मखाना भिगा दिया है, अच्छे से मखाना फूल गया है तो उसी मखाने को हम खिला रहे हैं। इसको चाय नहीं पिलाएंगे, बस मखाना ही खिलाकर और चाय हटा देंगे। तो थोड़ा से मीठा हो गया है तो बस अपना खाते जा रहा है और बहुत ही खुश है क्योंकि खाने वाली चीज़ कोई भी हो पर देखते ही उछलने लगता है क्योंकि चाहिए होता है इसको खाने के लिए। तो फिर देख सकते हैं, और सुबह सुबह बच्चे लोग जब आते हैं, सनी सौरभ सब लोग वहीं पर रहते हैं, तो जब वहाँ से आते हैं मॉर्निंग में उठकर तो इसको भी साथ में लेते आते हैं। कभी कभी साथ में भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा देर में भी आता है, वो लोग चले आते हैं तो फिर बाद में आता है जब इसका मसाज वगैरह हो जाता है तब। तो फिर अब यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसको खिला लेते हैं अच्छे से ताकि इसका पेट भर जाएगा, तब मैं अपना काम जो है मॉर्निंग का शुरू करूँगी। और आज है इसका बर्थडे, तो फिर इसका जन्म हुआ था 26 सितंबर को। तो अब आ गए हैं किचन में क्योंकि चाय हम नहीं पिए हैं, तो हमने कहा कि खुद हम अपने लिए भी चाय छान लेते हैं। और थोड़ा सा मक्खन है उसको रख देंगे, वो मक्खन हमारा थोड़ा सा घी बन जाएगा क्योंकि काफ़ी समय का हो जाता है तो फिर स्मेल भी आने लगता है। तो चाय छान लेते हैं और बस अपने लिए ही बनाए हैं और सब लोग पी चुके हैं तो अपना हमारा ठंडा हो गया था तो हमने कहा गर्म कर लेते हैं और उसी पर रख देंगे। ये मक्खन है जो ये भी पिघल जाएगा तो घी तैयार हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। और इसके बाद से फिर बाहर चलेंगे चाय पीकर, थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो चाय पीने के बाद आ चुके हैं, देख सकते हैं तालाब के पास। तो आज का मौसम काफ़ी प्यारा है और थोड़ा सा जैसे ओस भी गिरा हुआ है, तो देख सकते हैं तालाब में उस साइड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। और इस समय समय हो रहा है 7 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 7 बजे हम आज बाहर का आप लोगों को नज़ारा दिखा रहे हैं क्योंकि जब थोड़ा सा अंधेरा था तो कुछ भी अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसीलिए हमने बस कोई भी क्लिप शूट नहीं किया था। और उसके बाद से मेन गेट खोलने के बाद थोड़ा सा देखने के बाद चले गए थे रूम में। और इसके बाद से अब जब मॉर्निंग अच्छे से उजाला हो चुका है तब थोड़ा बाहर आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ ब्लॉग तो शूट नहीं हो पाया है, जो भी शूट हो पाया है फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा बाहर का जो व्यू है लग रहा है और सड़क भी खाली खाली सा रहता है एकदम। और ये बाहर पूरा ईंट वगैरह फैले हुए हैं तो इसको भी हटवाना है, पर अभी समय थोड़ा सा जैसे मजदूर वगैरह मिल नहीं रहे हैं तो फिर पता कर रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो फिर बाहर का जो ईंट वगैरह है वो भी हट जाएगा क्योंकि सड़क भी बनने वाला है। और यहाँ आ चुके हैं फिर से वहीं जहाँ बैठे हुए थे, तो हमारा बाबू भी बैठा है और बड़े ही प्यार से अगर चिड़िया हो गया कौवा वगैरह अगर बैठते हैं आंगन में तो बहुत ही ध्यान से देखता है, तो देखकर चिल्ला भी रहा था तो हमने थोड़ा सा क्लिप इनका भी ले लिया है। और अब यहाँ पर शाम हो चुका है फ्रेंड्स, तो चले आए थे गांव के घर पे क्योंकि आज बाबू का बर्थडे भी है तो हमने कहा कि सभी को गांव के घर पे ही खाना पीना खाना था, तो क्योंकि कोई भी ऐसा मौका होता है त्यौहार होता है तो सारे फैमिली एक ही जगह रहते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ बहू सब सारी तैयारी कर चुकी है, यहाँ पर सब एक सब्जी हो चुका है, सिवई हो चुका है और कचौड़ी उधर बना रही है और मैं बस पनीर का सब्जी बना रही हूँ क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है। तो फिर उसने कहा कि आप पनीर का सब्जी बना दीजिए, तो फिर इसी में मैं लग गई हूँ और बाकी का सारा तैयारी बहू ही की थी।
तो फिर गांव में थोड़ा सा ऐसे ही किचन रहता है, नीचे खाना बनता है, तो फिर पूरा बिखरा सा रहता ही है फ्रेंड्स, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और गांव के घर पे नीचे ही बैठकर ही खाना बनता है, क्योंकि कभी कभी अगर बहुएं नहीं होती हैं तो फिर सासू माँ ही ये खाना पीना का काम कभी कभी कर लेती हैं, तो फिर जैसे ये लोग मायके चली गईं तो फिर उनको अगर करना पड़ता है तो खड़े होकर नहीं कर पाती हैं। और किचन है गांव के घर पे छत पर, लेकिन छत पर आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो फिर इसलिए नीचे ही खाना बनता है, तो फिर ऐसे ही नीचे ही गैस रख कर फर्श पर ही बैठ कर बनाते हैं। और यहाँ हमारा मसाला भी भुन गया है तो पनीर भी डाल देते हैं, और जितना पानी चाहिए उतना इसमें पानी भी डाल देंगे, ग्रेवी जैसे पतला गाढ़ा जैसा भी चाहिए। और यहाँ पे बैठ गई हैं सासू माँ भी, तो बस कचौड़ी भरवाने के लिए, तो हंस रही हैं कि जो मैं एक क्लिप ले रही हूँ तो हंस रही हैं कि वीडियो बन रहा है, कोई भी काम हो पर वीडियो बनना चाहिए, बस यही बोलकर हंस रही हैं। लेकिन क्या करें, हम तो एक एक पल का क्लिप शूट करते रहते थे, पर इस समय सनी के पापा का तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई भी ब्लॉग मेरा अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है, जो भी शूट हो रहा है पर अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। और बाबू का बर्थडे है, बहुत ही खुशी था सबको, लेकिन जैसे अपने परिवार में ही हम लोग मना लिए थे और बाहरी किसी को भी नहीं इन्वाइट किए थे। और देख सकते हैं बाबू के नाना आए हैं, तो फिर इसको छड़ा वगैरह भी लेकर आए हैं, और ये भी काफ़ी खुश था। बच्चों को भी पता होता है कि हमारा जैसे कुछ भी घर में हो रहा है तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बाहर देख सकते हैं सनी के पापा भी लेटे हैं, और इधर हमारे ससुर जी भी हैं, तो ऐसे करके बाहर भी हैं वो लोग उस साइड, और इधर बच्चे लोग हैं पूरा अपना केक वगैरह सजा रहे हैं, इंजॉय हो रहा है। और इधर बाबू बैठ गया है कुर्सी पे, तो बस बहू आरती करने जा रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी प्यार से और अच्छे से आरती भी करवा रहा है, जैसे बहुत ही समझदार है, क्योंकि बहुत सारा आरती है, सब चीज़ गिराता रहता है पर कुछ भी छू नहीं रहा था, बिल्कुल एकदम शांति से बैठा हुआ था। और यहाँ आप मोमबत्ती जल जाएगा, इसके बाद से केक कटिंग का तैयारी होगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही ब्लॉग क्लिप और है, तो आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगने पे एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब कटेगा केक, तो बस अब यहाँ पर केक कट चुका है और सब लोग मोमबत्ती भी बुझ चुका है, सब लोग गुब्बारे भी फोड़ने लगे हैं, तो बस ये अब और जो भी है बस इतना ही कुछ हुआ था, क्योंकि किसी को भी जैसे गांव के लोग और रिश्तेदार के कोई भी किसी को नहीं बुलवाया गया था, क्योंकि सभी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक जैसे रसम होता है बस उसी तरह से मनाया हुआ था हम लोगों ने बाबू का बर्थडे। तो और सामने सनी के पापा लेटे हुए हैं, तो हल्का सा क्लिप हमने उधर का लिया है, और इसका हाल देख सकते हैं बर्थडे में बच्चों लोगों ने क्या हाल कर दिया है बाबू को, तो गुस्सा भी कर रहा है थोड़ा सा, जैसे ये लोग खिला रहे हैं तो खा भी नहीं रहा है केक वगैरह, और पूरे मुंह में क्रीम वगैरह पोत कर रख दिए हैं। और ये हैं बाजू के जैसे ससुर लगते हैं, तो फिर बाबू को दे रहे हैं बर्थडे गिफ्ट का पैसा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही फ्रेंड्स, मिल कैसा लगा ब्लॉग फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।